is another level. अच्छा जी, फेवरेट टीम पूछ रहे हैं आपकी आईपीएल में, और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया 7 तारीख के आईपीएल का स्टार्ट होगा, तो वैसे मुझे तो केकेआर पसंद थी, शायद उसके गंगुली में भी फेवरेट खिलाड़ी थे, और वो शाहरुख खान की टीम है तो लेकिन शाहरुख खान की वैसे पसंद है गंगुली, हाँ दोनों की वजह से, लेकिन अब तो खैर गंगुली तो खैर काफी अरसे से नहीं थे, फिर वो गंभीर थे, एक दो टाइटल जीते भी हैं इन्होंने, लेकिन इस दफा केकेआर की इतनी खैर टीम स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप जो बात कर रहे थे सीएसके के, आप देख रहे हैं कि उसकी टीम स्ट्रांग है। सुपर किंग को मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रही है, मुंबई की टीम मुझे थोड़ी सी स्ट्रांग बैलेंस दिखाई दे, लेकिन वंस अगेन ये 2020 का फॉर्मेट है, 2 से 3 ओवर्स जिस टीम को मिल गए बैटिंग में 15 से 20 रन पर ओवर उनको मिल जाते हैं उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, और जिस टीम को पहले 6 से 8 ओवर्स में 2-3 विकेटें मिल जाती हैं तो उनको एज मिल जाएगा। सीएसके की आप बात करें तो 2 साल के बाद आई है, तो वो वाले मोर और लेस खिलाड़ी भी वही हैं, कुछ नए खिलाड़ी भी धोनी कप्तान है ना, कप्तान धोनी है, तो मेरा बड़ा फेवरेट फेवरेट है, तो फर्क पड़ता है अब 2 साल के बाद, ऑब्वियसली नहीं था फिर वही, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर खेल तो रहे थे दूसरी टीम्स में और फिर दोबारा आए, तो ऐसा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल आपने ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं, और ये प्रोफेशनल्स इनको क्यों प्रोफेशनल कहा जाता है, अगर ये लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने मुल्क से बाहर किसी मुल्क में जा रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हैं, आप अपने आप को उस मुल्क के जो सिचुएशन है, जो उस मुल्क का क्लाइमेट है, जो पिचेस हैं, जो माहौल है, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लें, ये प्रोफेशनलिज्म होता है, ये थोड़ी कि हम यहाँ पर खेल रहे हैं तो इसके अलावा हम कहीं और खेल ही नहीं सकते, तो फिर नॉन प्रोफेशनल। अच्छा, कोहली की जो टीम है आरसीबी, काफी उसमें बड़ी लंबी लिस्ट होती है बैट्समैन की, लेकिन आज तक टाइटल जीत नहीं सके, ये क्या क्या कभी होता है, जो बड़े नाम होते हैं, बड़ी टीम होती है, उस पर यह भी प्रेशर होता है, जिस तरह मुझे याद है सचिन तेंदुलकर पे बड़ा प्रेशर होता था कि वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था, वो इसमें कोई शक नहीं है, उसने सेंचुरीज भी बनाई, रन्स भी बनाया, तो उसके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होता था कि ये इंडिया का वन मैन शो होगा, और वो आउट हो जाता था तो कई मरतबा इंडिया की टीम ही पूरी की पूरी बैठ जाती थी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक सोली एक प्लेयर पे आप डिपेंड न करें, ख्वाह वो बैटिंग है बॉलिंग है, तो पूरी टीम पर कोशिश करेंगे नाज़रीन के ऑब्वियसली आईपीएल के जो मैचेस होंगे तो उस पर भी हल्का फुल्का टच किया करेंगे, बात किया करेंगे। बहरहाल आज का जो शो था उसमें इतना ही टाइम खत्म हो गया, अब अगले हफ्ते दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।